वहीं इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। झालावाड़ के अकलेरा से बड़ी खबर है। DYSP देवेंद्र सिंह राजावत के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। 1 किलो स्मैक और 2.5 किलो अफीम के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं कुछ देर में पुलिस कर सकती बड़ा खुलासा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं झालावाड़ के अकलेरा से है, जहां पर DYSP देवेंद्र सिंह राजावत के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई हुई। 1 किलो स्मैक और 2.5 किलो अफीम के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। कुछ ही देर में पुलिस बड़ा खुलासा कर सकती है। इस पर और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता आरिफ मंसूरी हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्टेड है। आरिफ, बड़ा खुलासा यहां पर पुलिस कर सकती है, क्या कुछ यहां पर खुलासे हो सकते हैं? ईशा, बता दूं आपको, झालावाड़ जिले में आज सबसे बड़ी कार्रवाई की है। SP किरण सिद्धू के निर्देश पर जिकलारा का DYSP है देवेंद्र राजावत ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 1 किलो स्मैक और 2.5 किलो अफीम भी बरामद की है। और सूत्रों से पता चला है कि कुछ लोग, 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। हालांकि इस मामले में बड़ा खुलासा अभी पुलिस ने नहीं किया, क्योंकि SP खुद इस मामले को बड़ा खुलासा करेगी। कहाँ से स्मैक या अफीम लेकर आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे, इस मामले में पुलिस अभी तफ्तीश में लगी है। लेकिन ये बात बता दूं आपको, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य देखा जाए तो स्मैक का लगभग 1 करोड़ से ऊपर अंतर्राष्ट्रीय मूल्य है, और अफीम भी लगभग 2 से 3 लाख रुपए पर किलो अभी झालावाड़ जिले में से यहाँ से स्मैक हो रही है। ऐसे में कहते हैं पुलिस ने आज बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए SP किरण सिद्धू के निर्देश पर DYSP राजावत के आदेश के अनुसार ये कार्रवाई की है और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। कहाँ के लोग थे, कहाँ जा रहे थे या कहाँ से आ रहे थे, हालांकि कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में पुलिस की सख्ती बढ़ी हुई है, नाकाबंदी लगाई हुई है जगह जगह पर। ऐसे में पुलिस प्रशासन की बड़ी कामयाबी है और बड़ा मामला इस मामले में खुला हो सकता है। SP इस मामले में बड़ा खुलासा करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ तमाम जानकारी के लिए।